My name is Sumit. And my name is Anjali. And you are watching our channel, Canada Wale Sharma. हेलो एवरीवन, आज हम आपको क्यूबेक ने जो 3 पायलट प्रोग्राम्स एंड ऑफ अक्टूबर में लॉन्च किए हैं उसके बारे में बताएंगे और साथ ही मैं आपको इनटेक रूल्स अपडेट देंगे जो कि रेस्ट ऑफ द ईयर 2020 के लिए और फॉर द एंटायर ईयर 2021 के लिए जो अपडेट्स आए हैं इनटेक रूल्स फॉर फ्यू प्रोग्राम्स उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें जो कि आपको क्यूबेक इमिग्रेट होने में हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो 3 प्रोग्राम्स पायलट प्रोग्राम्स जो कि क्यूबेक गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं दे आर फर्स्ट इज फॉर द ऑर्डरलीज। सो दिस अंडर दिस प्रोग्राम द क्यूबेक गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एनरोल फॉर अराउंड 550 एप्लीकेंट्स पर ईयर और ये नंबर पर ईयर इज फॉर द ईयर 2021। सो ऑर्डरलीज में गवर्नमेंट ने जो ये पायलट प्रोग्राम निकाला है 550 के अराउंड कैंडिडेट्स लेने का एक्सपेक्टेड प्लानिंग है। सेकेंड जो हमारी प्रोग्राम निकाला है पायलट प्रोग्राम वो है जो कि कैंडिडेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और विजुअल इफेक्ट सेक्टर्स में काम करते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम निकाला गया है। इसके अंदर भी 550 एप्लीकेंट्स को एनरोलमेंट देने का, इमिग्रेशन पे बुलाने का क्यूबेक गवर्नमेंट का प्लान है। और जो थर्ड प्रोग्राम निकाला गया है दैट इज़ फॉर द वर्कर्स इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड दैट टू हैज़ बीन डिसाइडेड टू एनरोल और गेट इमिग्रेटेड अराउंड 550 एप्लीकेंट्स फॉर ईयर 2021। सो ये 3 प्रोग्राम्स हैं, इनकी अभी और डिटेल्स एक्चुअली वेबसाइट पे नहीं आई है। अभी हम थोड़ी देर में आपको क्यूबेक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी लेके जाएंगे जहाँ पर ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई है और आगे क्या क्या है, क्या क्या प्लानिंग होगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सो जो ये 3 पायलट प्रोग्राम्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी देयर फॉर 5 ईयर्स। सो ये एक तरह से गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो इन 3 मेन प्रोग्राम्स में आते हैं जो कि ऑर्डरलीज, AI, IT और साथ में हमारे फूड प्रोसेसिंग के हैं, क्योंकि अगर ये प्रोग्राम्स सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये 3 नए पायलट प्रोग्राम्स 5 साल के बाद दे विल बी मेड परमानेंट। सो दैट इज़ द थिंग। सो इसका यूटिलाइजेशन अगर आप कर लेते हैं अभी, यू कैन एक्चुअली इमिग्रेट टू कैनेडा अदर देन द एक्सप्रेस एंट्री रूट। और अभी ये प्रोग्राम्स का फाइनलाइजेशन ड्राफ्ट में है, 45 डेज कंसल्टेशन जो कि अभी दिसंबर में कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद प्रॉपर प्रोग्राम्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या क्या प्लानिंग है, कितने नंबर्स बुलाने हैं, वो सब फ्रीज हो जाएगा और गवर्नमेंट अपने नए प्लान्स को पब्लिश कर देगी क्यूबेक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। और इसी के साथ मैं आपको कुछ इसके बारे में डेटा देना चाहती हूँ। एक्चुअली क्यूबेक ने प्लान किया था अराउंड 43,000 टू 44,500 इमिग्रेशन टारगेट 2020 का, बट बिकॉज ऑफ कोविड एक्चुअली में दे आर एबल टू फुलफिल ओनली 30,500 इमिग्रेशन टारगेट टिल नाउ। और ये सब की वजह से क्यूबेक का जो इकोनॉमी है और जो लेबर स्कैर्सिटी है वो बढ़ गई है, और उसी को कंपनसेट करने के लिए क्यूबेक हैज़ प्लान टू इंक्रीज इट्स इमिग्रेशन टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 44,500 टू 47,500 2021 के लिए। ये और भी बढ़ाया जा सकता है अगर इकोनॉमी स्टेबल हो गई और साथ में लेबर शॉर्टेज की स्केयरसिटी और हो गई, तो दे कैन इंक्रीज द लिमिट्स पर प्रोग्राम्स और फॉर दीज इमिग्रेशन। सो ये गुड न्यूज़ है, इसका आपको यूटिलाइजेशन ज़रूर करना चाहिए। Okay, so let's get to the Quebec government website. So we are on this page. You can see it's written immigrationquebec.gov.qc.ca. So is page pe hum aa gaye hain, and here there are many things you can see over here. Aapko jo latest update humne diya hai uske liye you have to go on news. You have to click here. Uske baad jo ye update aaya tha,
draft regulation of 3 pilot programs and new intake rules for immigration applications. यहाँ information पे आप click करेंगे और इसके बारे में हम आपको बताएंगे. November 1 से ये rules आए हैं और ये rules 3 programs के under आए हैं. First is entrepreneur program, दूसरा है self-employed worker program और तीसरा है collective sponsorship. So इन तीनों के बारे में एक एक करके हम आपको बताते हैं. पहले प्रोग्राम के हिसाब से फ्रेश इनटेक ऑफ परमानेंट सिलेक्शन एप्लीकेशंस, परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशन सस्पेंड है नवंबर 1, 2021 तक. सो जो मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के अंदर एप्लीकेशंस ली जा सकती हैं वो है सिर्फ 25. अगले साल September 30, 2021 तक, November 1st, 2020 से लेके September 30, 2021 तक. तो ये प्रोग्राम जो ओपन है अभी स्ट्रीम वन ऑफ प्रोग्राम के लिए ओपन है. बाकी जो 25 के बाद एप्लीकेशंस होंगी वो कैंडिडेट्स को रिटर्न कर दी जाएंगी. दूसरा जो प्रोग्राम है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर प्रोग्राम. इसके अंदर भी जो मैक्सिमम एप्लीकेशंस वो परमानेंट सिलेक्शन एप्लीकेंट्स के लिए लेंगे वो है 50 और ये भी इस पीरियड में कवर होगी नवंबर 1st 2020 टू सितंबर 30 2020. सिमिलरली लाइक द फर्स्ट प्रोग्राम एक्सीडिंग एप्लीकेशंस विल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट्स. थर्ड है कलेक्टिव स्पॉन्सरशिप. कलेक्टिव स्पॉन्सरशिप इज अ प्रोग्राम फॉर रिफ्यूजीज अब्रॉड. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोग्राम फॉर रिफ्यूजीज अब्रॉड. द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अंडरटेकिंग एप्लीकेशंस इज 750 फॉर 2021. सो जो ईयर 2021 में वो एक्सपेक्ट करें एप्लीकेशंस जो कि वो इनरोल करवाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे दैट इज 750 ओनली. उसके अलावा अंडरटेकिंग ऑफ एप्लीकेशंस हैव बीन सस्पेंडेड अंटिल नवंबर 1, 2021 इन तीन स्पॉन्सर कैटेगरीज की एप्लीकेशंस जो कि कलेक्टिव स्पॉन्सरशिप के अंदर आता है वो अगले साल नवंबर 1, 2021 तक सस्पेंड है. और वो है एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि स्पॉन्सर करेंगी टू सेटल आउटसाइड मॉन्ट्रियल मेट्रोपॉलिटन कम्युनिटी. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर कर रही है इंडिविजुअल्स को जो कि मॉन्ट्रियल के कम्युनिटी के बाहर के लिए हैं वो इनटेक नहीं लेंगे. अदर बाकी एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और तीसरा है रेगुलर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हैं वो स्पॉन्सर करिए इंडिविजुअल्स को आउटसाइड मॉन्ट्रियल मेट्रोपॉलिटन कम्युनिटी वो भी सस्पेंडेड है और अदर रेगुलर ऑर्गेनाइजेशंस की भी. ये जो नए रूल्स हैं वो अफेक्टिव है नवंबर 1 से इस साल के अगले साल के नवंबर 1, 2021 तक. उसके अलावा डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स पे अगर आपको और इन्फॉर्मेशन देखनी है उनके क्या रूल्स और प्रोसीजर्स चल रहे हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. साथ ही में इन पायलट प्रोग्राम्स का जो भी डिसीजन लिया जाएगा और एग्जैक्ट डिटेल्स आएंगी वो भी आप हमने जो आपको पहले शो किया था न्यूज़ पेज पे जाके हम आपको इसके बारे में क्यूबेक के बारे में हम भी आपको अपनी आने वाली वीडियोस में लेटेस्ट अपडेट एक्यूरेट अपडेट्स देते रहेंगे. उसके अलावा भी और जो प्रोग्राम्स हैं और जो अलग अलग एक्सप्रेस एंट्री की या इमिग्रेशन की टू कैनेडा अलग अलग प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसके हम आपको वीडियोस बना के दिखाते रहेंगे ताकि आपका उससे बेनिफिट हो और आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट ना हो जो आपको कैनेडा के ले जा सकती है थ्रू इमिग्रेशन. इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए. आप हमारी वीडियोस लाइक करते रहिए, हमारी वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस का मैक्सिमम बेनिफिट मिले और हमारे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें. थैंक यू अंजलि फॉर सच अ वंडरफुल अपडेट. सो होप यू गाइस हैव लाइक्ड आवर वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज डू वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस, लिंक इज देयर. And also please like our videos, share our videos and subscribe our channel. And the people who are watching our videos and they are not subscribing, please do subscribe as well. Yes. Please also follow us on Instagram and Facebook page with by the name Canada Wale Sharmas. Till then, stay tuned and thank you. Bye. Bye.